हाय गाइस, आपका अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आईफोन 13 का iOS 17.6.1 के लेटेस्ट अपडेट के ऊपर फुल कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। सो गाइस, इस अपडेट को मुझे यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अगर आप सभी ने अब तक आईफोन 13 को इस लेटेस्ट अपडेट पे अपडेट नहीं किया तो इस वीडियो को वॉच करके आप ये डिसीज़न ले सकते हो कि आपको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो सबसे पहले अपडेट का साइज़ आप चेकआउट कर सकते हो, जो मेरे को देखने को मिला आईफोन 13 पे 318.2 मेगाबाइट्स है अपडेट का साइज़। तो इस अपडेट में एप्पल ने कुछ इंपॉर्टेंट बग्स को फिक्स करा है और साथ में एडवांस डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड इनेबलिंग और डिसेबलिंग से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल रहे थे, उनको भी एप्पल ने सॉल्व करा है इस अपडेट में। सो सबसे पहले ये तो हो गई इस अपडेट के बारे में बात। तो यहाँ पर सबसे चेकआउट करते हैं कि यहाँ पर बैटरी हेल्थ कितनी ड्रॉप हुई है आईफोन 13 के ऊपर। तो चलिए चलते हैं बैटरी हेल्थ में। तो 91% बैटरी हेल्थ शो कर रहा है। जब मैंने iOS 17.6 को इंस्टॉल करा था तो तब मेरे आईफोन की 1% बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो गई थी, बट जैसे मैंने 17.6.1 को इंस्टॉल करा उसके बाद मेरे डिवाइस में बैटरी काफ़ी स्टेबल हो चुकी है। तो कोई भी बैटरी हेल्थ में मेरे को ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है। बैटरी बैकअप भी काफ़ी बढ़िया है इस डिवाइस को। मैं एक दिन में एक ही बार चार्ज करता हूँ, तो आप देख सकते हो लास्ट चार्ज मैंने थर्सडे को करा था, वो भी कल रात करा था, और वो भी 84%। अब आपको 64% देखने को मिल रहा है, तो वो तकरीबन 20% बैटरी इसने ड्रेन करी है रात से लेकर अब तक के टाइम पे। तो इसका रात के टाइम पे कोई भी बैटरी ड्रेन नहीं है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस मैं डे टू डे रूटीन में यूज़ करता हूँ, कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन मैं अपने डिवाइस पे यूज़ नहीं करता हूँ। हीटिंग की अगर बात करी जाए तो हीटिंग इशू आईफोन 13 पे मेरे को तब देखने को मिलता है जब मैं इसके ऊपर काफ़ी कैमरा को यूज़ करता हूँ, फ़ोटोज़ वीडियोज़ को सबसे ज़्यादा मैं इसी डिवाइस से शूट करता हूँ, तो मेरे को हीटिंग इशू तब देखने को मिलता है। वरना कोई भी हीटिंग इशू मेरे को आईफोन 13 पे ऐसे बेफालतू देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद एप्लीकेशंस की ओपन करने की स्पीड भी काफ़ी बढ़िया है, तो आपके सामने ही है, कोई भी इसमें आपको लैगिंग और क्रैशिंग इश्यूज देखने को नहीं मिलने वाले हैं। सारे के सारे एप्लीकेशंस काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं, कोई भी इनमें आपको क्रैशिंग इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। कनेक्टिविटी की अगर बात करी जाए तो कॉलिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़िया है, वाईफाई में भी कोई भी इशू नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है। आईफोन की स्टोरेज में चेकआउट करते हैं, कोई इशू तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईफोन की स्टोरेज काफ़ी जल्दी से ये कैलकुलेट कर देता है। सिस्टम डेटा 7.95 GB हो रखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा स्टोरेज को यूज़ कर रही है। अगर आपके डिवाइस में भी है कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जो कि बेफालतू एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, आप यूज़ नहीं करते, उनको डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि वो एप्लीकेशंस आपके स्टोरेज को ऐसे ही बेफालतू में घेरे रखे हैं। तो ये था गाइस कंप्लीट फुल रिव्यू आईफोन 13 का 17.6.1 के नए लेटेस्ट अपडेट पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं iOS 18 के अपडेट से रिलेटेड, क्योंकि iOS 18 का अपडेट यहाँ पर स्टेबल अपडेट नेक्स्ट मंथ सितंबर के मंथ में एप्पल रिलीज़ करने वाला है। उसी मंथ आपको एक नया आईफोन 16 भी देखने को मिलने वाला है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।